नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश शर्मा। आज हम एक गंभीर विषय बाल श्रम के बारे में चर्चा करेंगे। एक चाइल्ड रिपोर्ट पब्लिश की गई है आईएलओ और यूनाइसेफ के द्वारा। आईएलओ जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका गठन 11 अप्रैल 1919 को जेनीविया स्विट्जरलैंड में किया गया था। यहाँ के डायरेक्टर गाय राइडर हैं। यूनाइसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन फंड है, जिसका गठन 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क यूएसए में किया गया। यहाँ के हेड हैं हेनरीटा एचफोर। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है, जो कि कल है। इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो लगभग 84 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि पिछले 4 सालों में चाइल्ड लेबर का शिकार हुए हैं, जिससे पूरे विश्व में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 16 करोड़ हो गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाए तो लगभग 70% बच्चे ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो आंकड़ा है लगभग 11 करोड़ 20 लाख के करीब। सर्विस सेक्टर में 20% बच्चे काम कर रहे हैं, जो कि लगभग 3 करोड़ 5 लाख के बराबर है। इंडस्ट्री सेक्टर में 10% बच्चे जो चाइल्ड लेबर में काम कर रहे हैं, 1 करोड़ 65 लाख यह है आंकड़ा है। और 5 से 11 साल के बच्चे 28% हैं चाइल्ड लेबर का शिकार, और 12 से 14 साल के बच्चे लगभग 35% बच्चे ऐसे हैं जो कि 12 से 14 साल जिनकी उम्र है। और यह चाइल्ड लेबर देखा जाए तो लड़कों के मुकाबले लड़कियों में काफी कम है, और रूरल एरिया में यह 14% है, जो कि 3 गुना है अर्बन एरिया का। अर्बन एरिया में यह प्रतिशत लगभग 5% है। और 5 से 17 साल के बच्चे जो कि एक भयावह वातावरण में, जैसे कि वहां पर उनको ना तो कोई सेफ्टी इक्विपमेंट दिया जाता है और ना ही कोई नैतिकता का आधार पर देखा जाए तो वह सही स्थान है, वहां पर काम कर रहे हैं। और यह लगभग 2016 से लेकर 2020 तक यह आंकड़ा लगभग 65 लाख से बढ़कर 7 करोड़ 90 लाख हो गया है। और कोरोना वायरस से भी इस पे काफी इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि बच्चों के इकोनॉमिक लॉस हो गया है, फैमिली को स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, जिससे लगभग 2022 के अंत तक लगभग 9 लाख 90 लाख बच्चे और इसका शिकार हो सकते हैं। इस वीडियो के सोर्स हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।